खान साहब, जैसे कि आपका म्यूजिकल घराने से ही आपका भी ताल्लुक है, तो इस फील्ड में आना कैसे हुआ ये बताएं। पैदल ही आया था तब तो फिल्म। रिएक्शन कॉमेडी में किसने आपको ज्यादा मुतासिर किया? दोस्ताना साहब बहुत बड़े फनकार थे, वो इन्हें बड़े फनकारों में मुझे एक रोल मिल गया छोटा सा, तो वो चोरी की मुर्गी जाके बेचते रहते हैं, तो मैंने ऐसे फिक्रा मनाने के अस्सलाम वालेकुम भाईजान करदा पालिया जानवर वेचण दिल तो नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, छोटे भरा की फीस देनी, उन्हें मैटर करना है, तो यह कुकड़ी खरीद लो। वो खरीद लेते हैं, फिर आंदा अस्सलाम वालेकुम, फिर दूसरी कुकड़ी बेच दिंदा, फिर आंदा वो करदा चोरी करके कुकड़ी है जी, फिर मैं आना तो मैं कह जी अस्सलाम वालेकुम करदा पालिया जानवर वेचण दिल तो नहीं करता, लेकिन फीस देनी छोटे भरा की, तो यह कुकड़ी ले लो। वो तो फिर मस्ताना साहब कहंदे ने यार तू सानू एक बार दस दे कि तेरे भरा नू मैट्रिक तक किन्नियां कुकड़ियां लगनगियां। पहली बात तो ये कि मस्ताना साहब के रिएक्शन पे तालियां, क्या फनकार थे जी, लेकिन मैं यहां अमानुल्लाह खान आप आपको भी दाद ये 15-16 साल पहले या ये जो नई चीज थी, ये जैसे बड़ा किसी स्टोर में जाए तो वो एकदम वो दरवाजा खुल जाता है, शीशे का बड़ा दरवाजा खुल जाता है ना, बिल्कुल 20 साल पहले तब ये नई नई बात थी, उधर कनाडा में ना, तो हम जा रहे थे उस स्टोर में, तो अमानुल्लाह खान साहब थे, तो वो अमान साहब आ गए थे, वो एकदम दरवाजा खुला ना, पहले तो हल्का सा डर गए, तो फिर कहते जीते रहो। उनके लिए तो बहुत बहुत बड़े फनकार हैं, उनके लिए तो जितनी तालियां होगा मैं, लेकिन सर मैं भी आपको एक दाद देना चाहता हूं, यही सखावत को तो यही पढ़ा है, कंगी शीशा शीशा देख लो ना लो, ਕਰੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਜ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਆਪਸੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਨੇ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਅਭੀ ਸੁਨਾਇਆ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਸਮੇ ਜੋ ਉਸਮੇ ਜੋ ਜੁਗਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨੇ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕੋ ਜੁਗਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ मैं आपकी तारीफ करना चाह रहा हूँ कि उस खुदा की जिसने आपको बनाया, जिस तरह से आपने डायलॉग डिलीवरी की है और जो फ्लो था अभी आपका जी, जहाँ आपने पॉज लिया, जहाँ स्ट्रेस था, उसके लिए मेरी तरफ से शागिर्द किनके हैं कॉमेडी में? शागिर्द मेरे उस्ताद थे, वो बड़े सीनियर लोग थे, अकबर राही साहब, तो और वो बहुत बड़ा रोल किया सी जदों थिएटर ते आए ने, इन्हां ने कैदो दा रोल किया सी। अच्छा, हीर रांझे वाला? हीर रांझे, हीर रांझे, ओहो, कैदो आज भी कैदो। कॉमेडी था या सीरियस था? नहीं सीरियस था बिल्कुल, पहला ही वो किया। अच्छा, कैसा लगा जब आपके पास स्क्रिप्ट आया, जब आपको कास्ट किया गया, आपको बताया गया कि जनाब आपको एक बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है, पहली चीज वो जो खौफ किसी भी अदाकार के ऊपर आता है, वो खौफ क्या क्या सोचने लेके आया, क्या सोचा आपने सबसे पहले कि मेरे को हो जाएगा नहीं होएगा, जरा थोड़ी रोशनी डाली ना इस पे? रोल मैंने खुद मांग लिया था राई साहब से, उस्ताद जी से मुझे गालियां पड़ी थी कि तुमने खुद ही रोल मांग लिया है। अच्छा। तो वो जो रोल कर रहा था ना, वो करेक्टर चला गया था पीछे गांव, वो तो काम पड़ गया था। अच्छा। तो मैंने कहा उस्ताद जी मुझे दे दो, तो मुझे फिर पहले उन्होंने बुरा भला कहा, फिर असिस्टेंट को कहा कि इसको वो याद कराओ। पहला सीन करने वाले थे उस किरदार का। आशा जी स्टेज जो है ना वो लाइव होता ना, तो सामने पब्लिक बैठी होती है। बिल्कुल। सवाल ने की था। वो आज भी डर लगता है। अच्छा। स्टेज पे कह रहे कि सवाल मैं सवाल की था। आशा जी ने नहीं उन्होंने सवाल जरा करता जवाब उन्होंने